नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के सेकंड फेज का आगाज इस महीने से होने जा रहा है। सभी टीमों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। आईपीएल 2021 का आयोजन पहले भारत में हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट को बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच बीसीसीआई ने इसे बीच में ही स्थगित कर दिया था। बीसीसीआई ने बाद में इसे यूएई में आयोजित कराने का फैसला किया। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों का आयोजन 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। आपको बता दें, आईपीएल 2021 में अभी तक 29 मैच खेले जा चुके हैं और बाकी बचे मैचों का आयोजन यूएई में किया जाना है। आईपीएल 2021 में अभी तक जो मैच खेले जा चुके हैं उनमें कुछ टीमों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, तो कुछ ने उम्मीद से काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 में अभी तक खेले मैचों के हिसाब से कौन सी टीम किस पोजीशन पर है पॉइंट टेबल पर वो बताने जा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 में ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। 8 मैचों में दिल्ली ने 6 में जीत दर्ज की और टीम के इस वक्त 12 अंक है। आईपीएल सीजन 13 में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन काफी शानदार प्रदर्शन रहा। इस सीजन अभी तक खेले मैचों के बाद चेन्नई पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर है। 5 मैचों में 2 हार और 5 जीत के साथ टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली की सेना का कब्जा। दिल्ली और चेन्नई की ही तरह टीम ने इस सीजन काफी शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक खेले 7 मैचों में 2 हार और 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर टीम तीसरे नंबर पर काबिज है। चौथे नंबर पर डिफेंडिंग चैंपियंस का कब्जा। मुंबई इंडियंस को इस सीजन 7 मैचों में 4 में जीत और 3 में हार मिली। पांचवें और छठे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का कब्जा है। इस सीजन दोनों ही टीमों ने अभी तक 3-3 मैचों में जीत दर्ज की। 7वें नंबर पर 2 जीत और 5 हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का कब्जा है। तो वहीं इस सीजन अभी तक खेले मैचों के हिसाब से सबसे खराब प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद का है। टीम ने अभी तक 7 मैचों में मात्र 1 में जीत दर्ज की और अंक तालिका में सबसे नीचे है। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।